तो ये वीडियो मेरा पशु 360 के जो पशुधन या जो फार्म हमने दिखाया था वहां से है, कैसे क्या कुछ फीडिंग यूज करते हैं, कैसे अपने पशुओं को फीड देते हैं, जो इतना ज्यादा दूध इनकी भैंसें हैं वो निकाल रही हैं। लगभग आप देख सकते हैं सभी भैंसें हैं, सभी जो इनके पशु सेवक की जो भाई हैं, जो पूरी टीम है, लगभग सभी भैंसों ने बाल्टियां हैं वो फुल कर दी, ताकि हम भी चाहते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए प्रॉपरली जो पशुपालक है उनके पशु भी ऐसे दूध निकालें और अच्छी फीड जो है पशुपालक भाई यूज करें। क्योंकि पशुपालन के अंदर सबसे मेन चीज, आप मानिए, हर वर्ग से जुड़ा हुआ ये फील्ड है। क्योंकि जब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग से ही जब स्टार्टिंग होती है, तो जो लगभग सब चीज़ें हैं दूध से ही स्टार्ट होती है, चाहे वो चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, तो हर चीज़ आपको दूध से जुड़ी हुई मिलेगी। तो देखिए, लगभग सभी भैंसों ने बाल्टियां हैं वो फुल कर दी हैं, और दूध जो इन्होंने बताया था कि दूध हर भैंस का दूध है वो कांटे के तोल का ही मिलेगा, ये देखिए आप। और अभी जो दूध है वो आपको कांटे पे डाल के दिखाया जा रहा है, क्या फीड देते हैं, कैसे देते हैं, कैसे पशुओं को मेंटेन करते हैं, सभी की सभी चीजें जो है आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखें आपको बताई जाएंगी। इनके फीड आप सामने देख पा रहे हैं, इनके ओनर से मिलवाएंगे। तो आज आपको मेरा पशु 360 से ये इनके जो फीड के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाएंगे। काफ़ी सारे प्लांट, काफ़ी सारी फैक्ट्रियां जिनके अलग अलग वीडियोज आ रही हैं, और हर पशुपालक अपनी फीड की खासियत बता रहा है और जो मार्केट में बेच रहा है, लेकिन काफ़ी सारी फीडिंग है वो फेक होती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ अलग अलग तरीके से डॉक्टर्स हैं वो पास करते हैं, कौन सी पशु के दूध के साथ साथ उसके स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि अगर पशुधन परफेक्ट तरीके से मेंटेन होगा तो एक अच्छा, और मैं कहूँ उत्तम क्वालिटी का दूध हम उससे ले सकते हैं। दूध के साथ साथ में पशु की सेहत भी आप मानिए काफ़ी मायने रखती है। तो फीडिंग के बारे में डॉक्टर साहब से जानकारी देंगे वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड हम दिखा रहे हैं मेरा पशु 360 जो काफ़ी सारी फैसिलिटीज हमारे पशुपालकों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम डॉक्टर गौरव है जी। किसान भाइयों को राम राम। मैं मेरा पशु 360 में हमारे दरबारीपुर वाले भैंसों के फार्म पे यहाँ पर सभी मैनेजमेंट देखता हूँ। जी जी। तो काफी सारी फीड की जो वीडियोज आती हैं, हर पशुपालक या हर जो विक्रेता है अपने अपने हिसाब से दिखा रहा है, तो आप अपनी फीडिंग में ऐसा क्या परफेक्ट मानते हैं, जो आपकी फीड की क्या क्वालिटी है जो पशुपालक यूज करेंगे और उनको बेनिफिट होगा, दूध के साथ साथ में पशु भी अच्छे रहें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि दूध निकालें, दूध की दौड़ सभी की है, लेकिन साथ में पशु की सेहत को भी काफ़ी जो मेंटेन करने वाली फीड आप अपनी बता रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें, ताकि पशुपालक हैं वो आपकी फीड से, आपकी वीडियो से और आपसे संतुष्ट हों कि इनकी फीड में वास्तव में कोई क्वालिटी है जी। तो शुरुआत करके आप अपनी फीड के बारे में बताएं। देखिए, हमारी कंपनी जितनी भी फीड हम लेके आते हैं जी, हम सभी डायरेक्ट कंपनी से उठाते हैं जी। हम मतलब किसी विक्रेता के पास नहीं जाते जी, जी। हमारा कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है जी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी में एक तो मिडलमैन नहीं रहता जी, जी। कोई मिडलमैन नहीं होगा तो किसान भाइयों को सबसे उत्तम दामों पर हम फीड प्रोवाइड करवा पाएंगे जी जी। फीड की भी हम डायरेक्टली होम डिलीवरी करते हैं ताकि किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो जी जी। फीड का जो भी हमारे पास फीड आती है, जो भी कंपनी हमसे कांटेक्ट करती है, हमें बोलती है कि सर हमारे पशुओं के लिए फीड बनाते हैं जी, और ये हमारी फीड है जी, उसे आप अपने कंपनी के थ्रू आके किसान भाइयों तक पहुंचाइए जी, तो हम ऐसे ही बिना किसी जांच पड़ताल के उस कंपनी से बात नहीं करते जी। हम पहले उनसे बोलते हैं कि आप अपनी फीड के कुछ सैंपल भेजिए हमें जी, फिर उन सैंपलों का हम लैब में टेस्ट करवाते हैं जी जी। कंपनी क्या है, कुछ खुद से भी टेस्ट से भेजती है जी, सर ये हमने लैब में टेस्ट कराया है हमारी फीड रिजल्ट का जी, पर हम उन कंपनियों की बात को ऐसे विश्वास नहीं करते आंख मूंद कर जी। हम अपना खुद का टेस्ट करवाते हैं जी, जो हमारी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है लुवास है, वहाँ पे हमारी सारी जो भी फीड नई आती है उसका टेस्टिंग होती है जी, उसमें कितना प्रोटीन है, उसमें कितना फैट है जी, उसमें कितना टीडीएन है, सब चीजों की जाँच करवाई जाती है जी जी। उसके बाद हम कहते हैं कि चलो ठीक है, जो आपने हमको चीजें बताई है वो सच है, जितना आपने फैट बताया, जितना आपने प्रोटीन बताया वो सच है जी। उसके बाद वो फीड हमारे यहाँ पर फार्म पे आती है जी। उसके बाद हम अपने पशुओं को वो फीड खिला के देखते हैं जी।
पशुओं पर हम फीड ट्रायल करते हैं जी, बकायदा 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितने भी समय तक हमारे पास यहाँ पे पशु रहता है, उस पशु को हम वो फीड खिला के उसके सारा पैरामीटर नोट करते हैं कि ये फीड खिलाने के बाद उस पशु ने कितना दूध दिया जी, पहले कितना दूध दे रहा जी, था, अब उस पशु का जो दूध है उसमें फैट कितना है जी, SNF कितना है जी, हमने जो नई फीड खिलाई उससे उसका फैट कम तो नहीं हो गया, SNF तो कम नहीं हुआ जी, दूध बढ़ा नहीं बढ़ा जी, पशु है कई बार फीड अच्छी होती है पर पशु खाए ही ना जी जी, फीड की क्वालिटी अच्छी ना हो जी जी, तो हम इन सभी चीजों की जांच करते हैं बकायदा 2 से 3 हफ्ते तक। जब हम पूर्ण तरह यूं हो जाते हैं कि संतुष्ट हैं हमें जी, इस फीड से दूध में बढ़ोतरी हुई या दूध में बढ़ोतरी नहीं हुई तो कम भी नहीं हुआ जी, इसको पशु ने अच्छे तरीके से खाया जी, जो पशु के दूध में फैट SNF था वो बरकरार रहा जी जी, उसके बाद हम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ आपकी फीड सही मायने में सही है और उसको हम फिर अब फार्मर्स तक पहुँचाएंगे जी। इसमें एक फार्मर है उसको लॉस नहीं होता, काफी सारी फीड फैक्ट्री है डायरेक्ट बेचने की सोचती है, लेकिन सबसे पहली ट्रायल आप अपने पशुओं पे करते हो? हम अपने पशुओं पे करते हैं और बिल्कुल हम किसी तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं करते जी जी। अगर कंपनी हमको यूं बोलती है कि सर हमारे इसमें 24% प्रोटीन है जी, हमने ये और साथ में ये भी देती है कि सर देखो हमने लैब में टेस्ट कराया जी जी, अगर हमारी लैब में 22% प्रोटीन आता है जी जी, तो हम उसको कह देते हैं कि आप हमसे झूठ बोल रहे हो जी, अभी आप पहले से ही झूठ बोल रहे हो तो आगे आप क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा काम बिल्कुल सच्चाई पे चलता है जी जी, तो जितनी सच्ची कंपनी होनी चाहिए जी, उतने ही सच्चे हम होने चाहिए, तभी जाकर किसान हम पर विश्वास करे। वो यहीं पे क्लियर हो रहा है, अगर फीड सुटेबल नहीं हो रही तो आप अपने पशुओं पे करते हो ताकि लॉस है वो कंपनी को अपनी यहीं पे हो जाए, किसान को नहीं होना चाहिए, किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। कल को अगर हम किसान को बेचें, किसान हमसे फीड ले लेगा एक बार तो जी जी, कि हाँ बहुत अच्छी फीड है जी, अब उसका पशु खाएगा नहीं जी, खाएगा कम खाएगा, दूध कम देगा, तो कल को किसान तो हमें ही धोखेबाज समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ऐसा कोई काम नहीं चाहते, हम चाहते हैं किसान भाई बिल्कुल आंख मूंद कर किसान के अंदर इतना विश्वास हो कि हाँ अगर हमारी कंपनी बेच रही है जी जी, बिल्कुल सही परख कर ही बेच रही हो जी जी। तो अपनी फीड के बारे में एक बार आप बताएं, कौन कौन सी फीडिंग है, कौन से टाइम की है, कैसे मेंटेन करनी है? हाँ जी सर जी, देखिए अब हमारी कंपनी को एक किसानों को ये भी बहुत दिक्कत रहती थी कि जो भी उसके आसपास पंसारी की दुकान है जहाँ से वो लेके आता है भैंसों के लिए जी जी, उसके पास अगर एक फीड है तो उसको वही लेनी पड़ेगी जी जी, उसके पास ऑप्शंस नहीं रहते जी, हाँ भाई अगर ये खल है मेरे पास जी मैं वही बेचूंगा जी जी, पर हमारी कंपनी का मोटो ये है कि किसान को ऑप्शन प्रोवाइड किए जाए जी जी, किसान को अगर पशु को ये फीड पसंद नहीं आ रही तो उसके पास दूसरा ऑप्शन भी हो कि अगर ये फीड नहीं खाएगा तो ये फीड खाए, मजबूरी ना हो किसी पशुपालक की, बिल्कुल भी किसी तरह का जी जी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और हमने प्राइसिंग का भी बहुत ख्याल रखा है किसान भाइयों का जी, कि किसी को प्राइस की वजह से दिक्कत ना हो जी जी, प्रोडक्ट भी अच्छा मिले प्राइसिंग भी अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे काफी प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग उसमें, देखिए जैसे ये हमारा लोकल वेरिएंट का इकोनॉमी वाला दलिया है जी, जो किसान भाई जिसको थोड़ी सी प्राइस की प्रॉब्लम हो जी दलिया ले सकता है, बहुत उत्तम क्वालिटी का दलिया है जी, बढ़िया प्रोटीन है, बढ़िया फैट है, हर चीज की जांच कराई जांच है। वो आप बता रहे हो शुरुआत में अपनी लैब टेस्ट होके आता है हर चीज। उसके बाद देखिए सर हमारा ये है प्रीमियम क्वालिटी का दलिया है शक्ति भोग का जी जी, ये देखिए इतना बढ़िया दलिया शायद आपने हम अपने घर पे भी नहीं खाते होंगे, बिल्कुल इतना जबरदस्त, बिल्कुल एक भी आपको यूं नहीं दिखेगा, आटा नहीं दिखेगा, कोई चोकर नहीं दिखेगी, बिल्कुल दानेदार है, बिल्कुल छना हुआ, बिल्कुल प्योर परफेक्ट दलिया जी जी, ये प्रीमियम क्वालिटी दलिया है जी जी। इसके बाद देखिए हम चना चूरी पर आते हैं जी, देखो चूरी में क्या रहता है, हमने बहुत पहले देखा, जैसे हमने शुरू में हमने जो चूरी मंगवाई थी जी उसमें हमें पता चला मक्के की मिलावट है जी जी, हमारे पास जितने पैकेट पड़े थे जी हमने एक भी पैकेट नहीं बेचा, उसी टाइम उसको बंद कर दिया जी, हमने दूसरी कंपनी से बात करी जी, हमने कहा हमें मतलब नहीं है आपको, अगर मिलावट करनी है तो आप कहीं और बात कीजिए जी, हमें चूरी चाहिए बिल्कुल प्योर जिसमें सिर्फ चना हो जी जी, महंगी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जो प्राइस है वो रेयर है, बिल्कुल बिल्कुल वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर प्योरिटी चाहिए हमको जी, तो ये बिल्कुल 100% प्योर चना चूरी हमने मंगवाई है जी, बहुत अच्छे से पशु खाता है जी, चना चूरी का तो जी सबको पता रहता है कितना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया फैट प्रोटीन के साथ साथ जितनी एनर्जी रहती है चना चूरी में, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत अच्छी रहती है जी। इसके बाद देखिए सर, इसके बाद हम आते हैं सरसों की खल पर जी जी, अब हमारे पास दो तरह की सरसों की खल है, सरसों की कच्ची खल और पक्की खल जी, ये हमारी सरसों की कच्ची खल है, कुछ लोग पपड़ी वाली खल भी बोलते हैं,
सरसों की खल में देखो एक थोड़ा वो रहता है कि थोड़े झल की दिक्कत रहती है, बिल्कुल, इसकी वजह से पशु थोड़ा कम खाता है। तो इसमें झल भी काफी कम है, हमने कंपनी से स्पेशल बुलवा के कि थोड़ा और तेल निकाला जाए, तेल की वजह से ज्यादा झल रहता है जी जी, जिससे इसमें झल भी कम हो जी हमारी कंपनी की। और प्रोटीन की मात्रा तो इतनी रहती है सर सरसों वाली खल में, आप ये मान के चलिए 32-34% प्रोटीन हमें कंपनी ने कह के दिया था जी जी, 32-34 जी, जब हमने टेस्ट कराया 36 मिला सर इसमें जी जी जी, पर हम फिर भी हम हमेशा कम ही बताते हैं, हम बोलते हैं कि 32-34 जी, पर अगर हमने जब जांच कराई थी यूनिवर्सिटी में, इसमें 36% प्रोटीन है जी जी, 6-7% इसमें फैट है जी, और पशु के लिए मतलब यूं समझ सकते हैं आप, इतना बढ़िया अच्छे से दूध देता है जी, प्रोटीन का क्या, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मांसपेशियां विकसित रहती हैं, बच्चे के लिए दूध की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चा भी अच्छे से बड़ा होता है। काफी पशुपालक है जिनके पशु फीडिंग से जैसे रिपीटर वगैरह की समस्या करते हैं, सबसे मेन चीज यही होती है कि प्रोटीन फीड में पूरा मेंटेन नहीं हो पाता, प्रोटीन होना चाहिए, एनर्जी पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग जैसे दलिया है, दलिया में बहुत एनर्जी रहती है, बिल्कुल, दलिया अच्छे से खिलाएं, उनको प्रोटीन अच्छे से खिलाएं, मिनरल्स वगैरह की कमी रहती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जी, वो भी रिपीट ब्रीडर्स में और जो वैसे हीट में ही ना आए जी जी, वो भी आगे बात करेंगे, पर प्रोटीन भी बहुत जरूरी फैक्टर जी है जी, और इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है अपनी सरसों के जी जी। अब देखिए सर, ये हमारा दूसरा, ये भी हमारा बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है जी, ये है अपनी सरसों की पक्की खल जी, सरसों DOC बोलते हैं, डी ऑयल्ड केक जी जी, बोले तो जो हमारा सरसों का केक है, मान लो ये हमारा सरसों का जो केक था जी, इससे हमने, इसमें भी झल रहता है थोड़ा जी जी, चाहे हमने कितनी कोशिश करी, पर इसमें झल नहीं रहता बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल तेल निकाल देते हैं जी, आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल प्योर प्रोटीन है हमारे पास जी, इतना अच्छा प्रोटीन जैसे बॉडी बिल्डर खाए तो उसकी मसल निकल आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी इसका 36% प्रोटीन हमने जैसे कट्टे पे लिख रखा है जी, पर इसका टेस्ट कराया तो 40% से ऊपर प्रोटीन था हमारी सरसों की जी 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 जी, ठीक है। तो ये भी बहुत थोड़े पशु हैं, कुछ लोग किसान भाई बोलते हैं कि अच्छे से फूलता नहीं है, बात ये है कि सर थोड़ा ज्यादा टाइम तक भिगो के रखना पड़ता है जी, ये बुरादे की फॉर्म में है जी, तो इसकी वजह से इतना ज्यादा नहीं फूलता जितना ज्यादा पपड़ी फूलेगी जी, ये तो नॉर्मल बात है समझने वाली जी, पर फिर भी इतना अच्छा प्रोटीन है इसमें, बहुत ही बढ़िया प्रीमियम प्रोडक्ट है, और ये रुचि सोया मैन्युफैक्चर करती है जी, जो हमारी पतंजलि वाली रुचि सोया है जी, साथ में मेरा पशु 360 के साथ उन्होंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है जी जी, तो ये अब हमारा प्रोडक्ट है जी, हम इस पे पूरी गारंटी देते हैं कि जी। इसके बाद सर हम आते हैं हमारी बिनोले वाली खल जी, जैसे कि सभी पशु पालक जानते हैं कि बिनोले वाली खल हमारे स्पेशली हरियाणा पंजाब में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्योंकि पशु अच्छे से दूध ही बिनोले की खल से देते हैं, बिल्कुल बढ़िया, इसमें फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, मलाई जबरदस्त आती है जी जी, सभी जानते हैं। उसके बाद अपना हमारे दो प्रोडक्ट हैं, एक सबसे पहले हम लेते हैं रस अमृत, ये हमारा थोड़ा इकोनॉमी प्रोडक्ट है जी, बहुत ही बढ़िया, अगर हम तोड़ के देखें, देखिए जी, भिगोने के बाद अच्छे से फूलती है जी, फैट प्रोटीन की मात्रा बढ़िया है जी जी, बिल्कुल अच्छे से, मानिए आप कि कम से कम 7-8% हमारा तेल है इसमें, फैट है जी, इसके अलावा 21-22% हमारा प्रोटीन है जी, तो प्रोटीन फैट बढ़िया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों जो खड़ हैं ये बनोली की या बड़े मियाँ की, इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ जी सर, ये सर इकोनॉमी है, ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है जी, ये इसका बिनोला है जो अपना थोड़ा लोकल बिनोला है, जो हमारी गोदरेज की खल है सर जी, ये हम गोदरेज की खल पे आते हैं जी, गोदरेज की खल हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है जी, गोदरेज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जी, बिल्कुल 100% इसकी गारंटी लेती है गोदरेज कंपनी की, मतलब बहुत प्योर है, बिल्कुल किसी तरह की कोई भी मिलावट आपको किसी भी तरीके से नहीं मिलेगी जी, साथ के साथ फूलती अच्छी है, हमारे किसान भाइयों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, गोदरेज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा मार्केट में जी। आगे ये इसका जो बिनोला है, बिनोला भी इसका कर्नाटक वाला बिनोला है, बहुत ही बढ़िया उत्तम क्वालिटी का बिनोला है जी जी। उसके बाद हम आते हैं हमारा संपूर्ण जो आहार है जी, संपूर्ण बैलेंस्ड रेशन है जी, वो है पौष्टिक, ये देखो सर ये है पैलेट फीड होगी अपनी, ठीक है, गोली वाली खल बोलते हैं लोग, बत्ती वाली खल बोलते हैं जी, सभी अलग अलग बोलते हैं, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको पैलेट फीड बोलते हैं जी,
इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे हम घर पे अपनी फीड बनाते हैं जी, घर पे हम कुछ अमाउंट में डालते हैं चना चूरी, कुछ सरसों डालेंगे, कुछ अपना बिनोड़े का खल डालेंगे जी, तो इसी तरीके से अलग अलग उत्तम क्वालिटी की जो फीड सोर्सेज हैं उसको मिला के अच्छे से मिक्स किया जाता है जी, फिर उसे भाप में सुखाया, भाप में पकाया जाता है जी, और उसके बाद उसके छोटे छोटे पैलेट बनाए जाते हैं जी जी। तो हम भैंस को चाहें तो जैसे हम जो हमारी दूसरी दलिया चोकर सब कुछ जो डाल रहे हैं जी, उसकी जगह हम चाहें तो पैलेट फीड खिला सकते हैं अकेली, कम्प्लीटली बैलेंस्ड रेशन है जी जी। इसमें सीपी प्रोटीन जितना हमारे भैंसों को रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हमारी गायों को रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी अपना कैटल है जी जी। वो उसको बैलेंस करके बनाया जाता है, फिर और फीड देने की जरूरत नहीं है, और फीड देने की जरूरत नहीं रहती जी जी। पर क्योंकि हमारा जो किसान भाई है वो ट्रेडिशनल फीड प्रेफर करता है, क्योंकि उसके घर पे लगा लो वो अगर गेहूं उगाता है तो बिल्कुल, तो उसके घर पे ही अवेलेबल हो गया जी। इसी तरीके से हम नहीं चाहते कि हम किसान भाई को कहें कि सारी की सारी ये खिलाओ, बिल्कुल तो खिलाते भी नहीं है। कुछ चीजें जो घर पे होती है जैसे गेहूं बाजरा ये चीजें चना हो गया, ये उसकी घर की जो खुद के खेतों की पैदावार है वो थोड़ी कॉस्टली नहीं पड़ पाती, जिससे डेयरी फार्मिंग है उसमें थोड़ा राहत मिलती है पशुपालक। सही बात जी, इसलिए हम कहते हैं कि अपनी फीड के साथ साथ किलो दो किलो दिन में कम से कम पैलेट फीड भी खिलाएं। इसमें मेरे हिसाब से पानी भी ज्यादा पीता है पशु इससे। हाँ जी, इससे पानी भी ज्यादा पीता है, इससे किसी भी तरह की जो उसके अंदर मान लीजिए मिनरल की कमी हो जी, या अगर उसके फीड में फैट कम पड़ रहा है या प्रोटीन कम पड़ रहा है जी, या कोई मिनरल कम पड़ रहे हैं तो उसकी कमी भी पूरी हो जाती है जी जी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अलग अलग तरीके की पैलेट फीड है जी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ज्ञान धारा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ज्ञान धारा का भैंस स्पेशल, देखिए ये हमारा प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, 6% फैट है इसमें जी, और इसमें 21-22% हमारे पास प्रोटीन है जी। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है क्योंकि ये स्पेशली भैंसों के लिए बनाया गया है जी। बाकी जो हमारे पैलेट फीड हैं उसमें फैट थोड़ा कम रहता है, 4-5% जी जी, पर इसमें 6% रहता है ताकि जो भैंस है उसके दूध में मलाई अच्छी आए, घी अच्छा निकले जी। इसलिए तो ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट भैंसों के लिए बहुत ही लाभ। अलग अलग फीड, ये लगभग सभी जो बत्ती वाली फीड है ये अलग अलग है, सारी अलग है या मान के चलिए एक ही काम सभी का, सूखा खिलाना भिगो के खिलाना कैसे देनी पड़ती? देखो बत्ती वाली खल को हम सूखा खिला सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं आती जी। स्पेशली कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो हमने खल जो दलिया वगैरह भिगो रखा होता है जो हम खिला रहे होते हैं उस समय, जी तो लोग उसी में मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये भी गीली हो जाती है जी जी। गीले में ये रहता है कि पशु को मतलब खाते हुए आसानी रहती है, पैलेटेबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा खाता है पशु जी जी। पर सूखा खिला सकते हैं बिल्कुल, बत्ती खल सूखी खिलाई जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सूखा खिलाया जाता है जी जी। इसको टूडे के साथ दे सकते हैं आप, इसको साथ में जो अपना एक्स्ट्रा टाइम में भी डाल सकते हैं फीडिंग के अलावा, बीच में मान लो दोपहर में दो टाइम फीडिंग करते हैं, दोपहर में 1-2 किलो डाल दी तो पानी की मात्रा, पशु जब पानी पिएगा तो दूध बनेगा जी। तो अब देखिए हमारे जैसे आप देख रहे हैं ज्ञान धारा के 4-5 पहले फीड दिखाई दे रहे हैं जी जी, ये सभी इनके थोड़े थोड़े रेट्स में अंतर है, क्योंकि रेट्स में अंतर है इस वजह से कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन और फैट में अंतर है जी जी। जो किसान भाई मतलब मान लीजिए मैं आपको कहूँ स्पेशल है थोड़ा महंगा पड़ता है, जो हमारा गोदरेज का प्रोडक्ट है वो इससे थोड़ा और भी महंगा है जी जी, पर उनका वो है कि उसमें फैट प्रोटीन थोड़ा ज्यादा है जी, और भी अपने जो पौष्टिक तत्व है उनकी मात्रा ज्यादा है जी। पर जो किसान भाई कहे कि ये हमको बहुत महंगा पड़ता है जी, उसके लिए थोड़े इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी है हमारे पास जी, सुप्रीम है, जैसे शक्ति है जी जी, हाई पावर है, तो ये गोल्ड प्रो है। हाँ, इसमें ये दिक्कत नहीं रहती, काफी भाई बोलते हैं कॉस्टली है एक ही फीड है तो इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, बड़ा डेयरी फार्मर है वो कम लागत लगा के खरीदने की कोशिश करता है कि फीड है वो ज्यादा कॉस्टली ना पड़े जी जी। इन सभी की जांच की गई है सर हमारे उस पे, अगर आप कोई किसान भाई अगर कल को यूं कहे कि यार हमको तो जांच दिखा दो जी, हम जांच भी दिखा देंगे उसको बिल्कुल, कि हमने किस दिन किस पशु को खिलाया जी, दिन उसने कितना दूध दिया, कितना अंतर आया, तो सभी गोली फीड आपका किसान भाई, हो सकता है कि किसी जानवर को एक पसंद ना आए, हमारे ये भी है कि मतलब अगर किसी के जुबान पे नहीं चल रही तो उसको वो दूसरी फीड खिला सके, ताकि हाँ अगर लगा लो हाई पावर नहीं खा रहा तो वो सुप्रीम खाए जी, हाँ अगर उसको सुप्रीम अच्छा सूट कर रहा है तो वो सुप्रीम खा ले। मान लो आपसे फीड परचेज कर ली किसी ने और फीड उसको सेट नहीं आई तो रिटर्न भी हो सकती है?
सर देखिए हम खुला कट्टा वापस नहीं लेते क्योंकि हाँ। तो खुले कट्टे वापस लेने में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। एक आध पैकिंग खुली मान लो किसान रख भी लेगा, किसी ने 10-20 बैग 50 बैग मंगवा लिए और उसको सेट नहीं आई तो फीड बाकी बंद पैकिंग है वो रिटर्न हो सकती है। तो अगर किसी पशुपालक को मानिए आपकी फीड है वो कंप्लीट बैग 10-20 बैग परचेज करता और सूट नहीं करती और वो पशुपालक है मान लो आपकी बात पे आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करता है तो जो खुला बैग छोड़ के बाकी पैकिंग आप रिटर्न करेंगे या क्या कुछ करेंगे उसका? सर देखिए हम जब भी किसी पशुपालक के पास जाते हैं जी हम उसे पहले बोलते हैं कि सर आप छोटा ऑर्डर ही मंगवाइए जी, पहले आप एक दो बैग मंगवाओ अखबार अच्छे से अपने पशु को खिला के देखो जी, उसके बाद ही बड़ा ऑर्डर करो क्योंकि बड़ा ऑर्डर करने से सबको तकलीफ आएगी, मुझे भी तकलीफ आएगी, पशुपालक को भी तकलीफ आएगी। बिल्कुल। पर यूजुअली सर हम रिटर्न नहीं करते अगर हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है जी। अगर हाँ प्रोडक्ट खराब निकलता है, कोई बड़ी समस्या आती है, उसमें फंगस लगी हुई है जी, और दिक्कत है हाँ। तो हाँ जी सर हमारा कंपनी का बंदा आपके पास जाएगा जी, उसको चेक करेगा और बकायदा वापस लेके जी जी, वो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे लास्ट में ये दो फीड हैं, एक तो शायद ये चोकर है गेहूँ का, ये देखो सर गेहूँ का चोकर है जी, बढ़िया हाई क्वालिटी का शक्ति भोग का चोकर मंगवाया है जी, ताकि पशु को मतलब बिल्कुल हम चाहते हैं कि हाई क्वालिटी पशु को बिल्कुल हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, इसलिए शक्ति भोग का चोकर है, बिल्कुल बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का चोकर है जी। देखिए हम ये देखिए पशुपालकों को मैं बताना चाहूँगा चोकर आप मानिए हर पशु के लिए ज़रूरी है जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं हम क्योंकि हम खुद भी पशु रखते हैं यूज़ करते हैं। चोकर आपको हमेशा पशु को डालना चाहिए, इसमें कैल्शियम वगैरह सब चीज़ें मानिए आप इसमें जो आपको मिलेंगी। लास्ट में इनके यहाँ की ये लास्ट में सोया, ये देखिए सर ये है सोया छिलका जी, अपना किसान भाई है वो अपना चना छिलका बहुत ही इस्तेमाल करता है जी, पर ये नया प्रोडक्ट है ये सोया छिलका है जी। इसका फायदा क्या रहता है, चने छिलके में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते जी, उसको खिलाने से पशु हाँ खाना अच्छे से खाता है, पैलेटेबिलिटी अच्छी रहती है जी, पर जो ये सोया छिलका है जी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने बढ़िया है, मानिए आपकी 12% तो इसमें प्रोटीन रहता है 11-12% जी, ठीक है 1-2% फैट है, फैट कम है पर इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है, जिससे क्या होगा पशु खाना भी खाएगा जो छिलके वाला काम है, साथ में उसको प्रोटीन भी मिलेगा जी। तो ये कैल्शियम वगैरह भी आपने रखे हैं ये भी आपकी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है? हाँ जी हमारी कंपनी कुछ सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कराती है जी। जैसे देखिए सर ये तुम्हारा मिल्क मैक्सिमा है जी, ज्ञानदारा का जी, ये बहुत बढ़िया मिल्क का कैल्शियम सप्लीमेंट है, जैसे भैंस ताजा ब्याई है अभी दूध बनाने पे है तो उस समय हम उसको कैल्शियम दें, एक तो उससे क्या होगा कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हमने देखा ताजा ब्याई वैसे हैं बैठ जाती हैं उनको कैल्शियम चढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल मिल्क फीवर बोलते हैं अपना जी जी, तो मिल्क फीवर नहीं होता उसको, साथ में दूध बढ़िया बनाती है बिल्कुल, उसको किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ साथ जो दूसरे मिनरल्स भी हैं मिनरल्स भी रहते हैं हमारे मिल्क। इसके साथ है हमारा ज्ञानदारा चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है जी, ये हमारा मिनरल मिक्सचर है, जैसे हम किसान भाइयों को पता है कई बार वैसे हीट में नहीं आती, बिल्कुल काफी ज्यादा समस्या है हीट में नहीं आती या फिर रिपीटर हो जाती है, ये समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये समस्या जब भी देखने को मिलती है तो किसान भाइयों को जो भी हमारा पशु चिकित्सक रहता है वो बताता है कि आप मिनरल मिक्सचर खिलाइए जी, क्योंकि यूजुअली न्यूट्रिशन की वजह से ये समस्याएं रहती हैं, बिल्कुल किसी ना किसी छोटे माइक्रो जो एलिमेंट्स है उसकी कमी हो जाती है जी, जिसकी वजह से फिर वो अच्छे से रिप्रोडक्शन साइकिल उसके काम नहीं करती जी जी, इसलिए ये मिनरल मिक्सचर है बहुत जो अपने बैलेंस्ड जो मिनरल्स रहते हैं 100-200 ग्राम डेली भैंस को खिलाना चाहिए मिनरल मिक्सचर, उससे उसकी स्वास्थ्य रहेगी एक तो पशु जी, साथ के साथ उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है जी, वो भी अच्छा रहेगा, वो अनस्ट्रेस में नहीं आएगी, टाइम से हीट में आएगी, टाइम से हीट में आएगी तो वही सीधी बात है भाई टाइम से अच्छा जी जी। इसके बाद हमारा ये है मू मैजिक, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है गोदरेज का जी, ये मिनरल मिक्सर है एक तो जी, साथ के साथ इसमें बाईपास प्रोटीन भी है जी, बाईपास फैट भी है जी, बाईपास प्रोटीन फैट क्या होता है कि जो पशु है पशु को डायरेक्टली लगता है ये जी, ये भी कहीं पे भी नुकसान नहीं होता कि जैसे हम कुछ चीजें खाते हैं कुछ चीजें शरीर को लगती है कुछ नहीं लगती जी, पर ये शरीर को लगने वाली जो चीजें हैं जो प्रोटीन और फैट है वो डायरेक्टली पशु के शरीर को लगता है जी, तो ये भी ताजा ब्याने के बाद बहुत ही लाभदायक है कि जो पशु है वो सूख जाता है कई बार बिल्कुल,
हाँ काफी वैसे कमजोर होने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो वो कमजोरी ना आए उसके लिए ये मू मैजिक बहुत बढ़िया जी। तो आपकी फीड प्लांट से अगर कोई ऑर्डर करना चाहे पशुपालक, तो क्या संपर्क करने के लिए कुछ संपर्क सूत्र या कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? सर हमारी जो कंपनी है जी, एक तो उसका सबसे पहला हमारा ऐप है जी, कोई भी मेरा पशु 360 ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से जी। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे आपको हमारी फीड जो हम बेच रहे हैं स्पेशली उसके ऑफर्स भी मिलते रहते हैं, आपको सभी तरीके की फीड मिल जाएगी जी। फ्री होम डिलीवरी होगी, चाहे आप एक कट्टा भी मंगाएं जी। साथ में हमारा नंबर भी है जी। जो किसान भाई मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं चलाते जी, वो चाहे तो फोन करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए इनका संपर्क सूत्र है जिससे आप संपर्क करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऊपर इनकी जो ऐप है, थोड़ा उंगली को हटाना, ऐप है वो ये देख सकते हैं, ऐप भी आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पशु 360 के नाम से इनका जो फीड फार्म सभी चीज़ें चल रही हैं, और सबसे मेन चीज़ पशुपालकों को मैं ये दिखा रहा हूँ, फीड प्लांट काफ़ी मिल जाएंगे फीड बेचने वाले, और सबसे मेन चीज़ अपने प्रोडक्ट की ट्रायल अपने पशुओं पर करते हैं, क्योंकि मोस्टली पशुपालकों को जो फीड बेचने वाले हैं वो अपनी फीड की खासियत बार बार बताते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो कोई नहीं दिखाता। लेकिन मेन चीज़ आप मानिए कि इनके यहाँ से काफ़ी सारी भैंसें भी हैं, और अपने प्लांट अपने डेयरी फार्म दोनों पे एक कॉम्बिनेशन अपने पशुओं के साथ दूध की प्रोडक्शन लेके, और उसके बाद में जो पशुपालक हैं किसान हैं उनको जो है ये अपना प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई भी भाई खरीदना चाहता है या इनसे किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहता है संपर्क कर सकता है, इनकी ऐप से देख सकता है। जितने भी पशुपालक जुड़े हैं सभी का धन्यवाद करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो है लेकिन फीड की वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो पशुपालक हैं वो कर रहे थे, और गोदरेज आप मानिए एक मार्का खुद ऐसा है जिसपे विश्वास पशुपालक हैं वो कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं का जो मेरा पशु 360 के नाम से इनका मार्का है। पशुपालक मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन्हीं का फीड यूज करें, लेकिन एक बार विजिट करके जरूर देखें, ताकि हमारे पशुपालक भाई हैं उनको बेनिफिट अगर हमारी वीडियो के जरिए होता, यही हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास में आज की वीडियो साइबर सिटी गुड़गांव से हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको ये फार्म ये फीड प्लांट दिखाया। सभी भाई जुड़े, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।